डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर वी के बिश्नोई आप सभी का स्वागत करता हूं। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में आप लोगों ने एडमिशन लिया है और फर्स्ट ईयर के आप सभी स्टूडेंट्स हैं। तो आज हमारा टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। बच्चों, सबसे पहले हम इन दोनों टर्म को समझना चाहेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टाइम मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द पर्सनल इंटरपर्सनल स्किल्स। तो अगर हम बात करें टाइम मैनेजमेंट की, तो टाइम मैनेजमेंट जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है, ये वाली जो लाइन है ये पढ़िए कि दिस इज़ रिलेटेड विद इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। यहाँ पर दो जो वर्ड हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, एक है इफ़ेक्टिव और दूसरा है एफिशिएंट। इफ़ेक्टिव का मतलब होता है कि अगर आप तो हम बात कर रहे थे इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट। इफ़ेक्टिव का मतलब होता है कि अगर हमने कोई ऑब्जेक्टिव, कोई टारगेट लिया है, तो हम उसको कितना अच्छी तरह से जो है वो कंप्लीट कर पाते हैं। और एफिशिएंट का मतलब होता है कि जो आपने कार्य अपने हाथ में लिया है, जो भी आपने ऑब्जेक्टिव लिया है, उसको गिवन टाइम पीरियड के अंदर अपने मिनिमम रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए एफिशिएंटली कंप्लीट कर देना। तो दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ टाइम मैनेजमेंट कि दिस इज़ यानी कि टाइम मैनेजमेंट इज़ रिलेटेड विद इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। द सेकंड इज़ द इंटरपर्सनल स्किल। यू नो, हम जब ग्रुप में बिहेव करते हैं, जब सोसाइटी के अंदर हम रहते हैं, तो हमें दूसरे जो ह्यूमन बीइंग हैं, दूसरे जो पर्सन हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करना होता है। और इसी से रिलेटेड जो स्किल्स हैं, जो लैंग्वेज की स्किल्स है, जो प्रोनंसिएशन की स्किल्स हैं, जो आपकी प्रेजेंटेशन को इफ़ेक्टिव बना दे, उससे रिलेटेड स्किल्स हैं, वो सारी की सारी स्किल्स इंटरपर्सनल स्किल्स में आ जाती हैं। और इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन ये हो सकती है कि दीज आर द स्किल्स, यानी कि ये स्किल्स रिलेटेड टू इंटरेक्टिंग विद अदर्स, कि ये वो स्किल्स हैं जब आप दूसरों के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो आपके काम आएंगी। हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप कोई इंटरव्यू जब अटेंड करते हैं, और अगर आपकी इंटरेक्शन करने की क्षमता, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स बढ़िया है, तो आपका इंटरव्यू हमेशा अच्छा जाता है, क्योंकि आप अपने नॉलेज को इफ़ेक्टिवली एक्सप्रेस कर पाते हैं। और यही होता है इंटरपर्सनल स्किल्स। इसमें कॉन्फिडेंस सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप कितना कॉन्फिडेंस के साथ अपने जो आइडियाज़ हैं, जो वो दूसरे के सामने एक्सप्रेस कर पाते हैं, कितना अच्छी तरह से अपने आइडिया को कम्युनिकेट कर पाते हैं, दूसरे को समझा सकते हैं, एंड ऑल दिस इज़ रिलेटेड टू इंटरपर्सनल स्किल्स। अब हम ये देखेंगे कि इंटरपर्सनल स्किल्स को इम्प्रूव कैसे किया जाए। मैंने आपको बता तो दिया कि इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होती हैं, लेकिन इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए। तो इंटरपर्सनल स्किल्स को इम्प्रूव करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपनी लैंग्वेज की कैपेबिलिटीज़ पर काम कीजिए। आप अपनी लैंग्वेज, चाहे ये मैटर नहीं करता कि आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंग्लिश ही आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है। कई बार हम ये इसकी डेफिनेशन को नैरो कर लेते हैं। कई बार आप देखते हैं कि कोई इंस्टीट्यूट है जो स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को उससे रिलेट कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पर्सनैलिटी तब भी डेवलप होती है जब आपको इंग्लिश नहीं, कोई आपको अपनी लैंग्वेज आती है, लेकिन लैंग्वेज आपको इफ़ेक्टिवली आनी चाहिए, लैंग्वेज आपको कम्प्लीटली आनी चाहिए, लैंग्वेज को आप अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाएँ, अपने विचारों को एक्सप्रेस कर पाएँ। इसका हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपके हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो कभी आपने उनको इंग्लिश बोलते हुए नहीं सुना होगा, या सुना भी है तो इतना बढ़िया वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते जितना कि वो हिंदी में लोगों से कनेक्ट करते हैं। हिंदी में वो जब वो बोलते हैं, लोग उनको ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि ये उनकी क्षमता है, ये एक उनके बोलने का स्टाइल है। यही सब इंटरपर्सनल स्किल होती है, यही कम्युनिकेशन स्किल्स होती है। इसमें लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज के ऊपर आपकी कमांड जो है वो मैटर करती है।
तो इंटरपर्सनल स्किल्स को इम्प्रूव करने का तरीका यही है कि आप सबसे पहले तो स्टेज फियर को आपको छोड़ना होगा। इसके लिए आप बार बार स्टेज पे जाएं, न्यूज़पेपर वगैरह को पूरा ऊंचा ज़ोर ज़ोर से बोल बोल के पढ़ें, मिरर के सामने पढ़ें, अपने फेशियल एक्सप्रेशन को देखें। आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन जब आप शीशे के अंदर यानी कि मिरर के अंदर सामने देखेंगे तो अगर उनमें कोई कमी है अगर तो आप उनको इम्प्रूव करेंगे और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस ले करके आएगा ये सब। तो इसी से आप अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा, अब टाइम मैनेजमेंट के लिए ये यहाँ पे एक डायग्राम सा बनाया हुआ है मैंने थोड़ा सा इसको समझाने के लिए कि इसमें दो वर्ड इम्पोर्टेंट है, एक इफ़ेक्टिव और दूसरा एफिशिएंट। इफ़ेक्टिव का मतलब होता है गेट डिज़ायर्ड रिज़ल्ट, कि भाई आप कोई काम कर रहे हो और अगर आपको उसका रिज़ल्ट ही नहीं मिलता तो आपकी रिसोर्सेज जो हैं उनका कोई इफ़ेक्टिव यूज़ तो हुआ नहीं, आपने वेस्टेज कर दी। वेस्टेज के बिल्कुल उल्टा इफ़ेक्टिव होता है, यानी कि जब आपको कुछ नहीं मिले तो आपने रिसोर्सेज को वेस्ट किया, और जब आप अपने रिसोर्सेज से कुछ रिज़ल्ट लेकर के आते हैं तो दैट इज़ इफ़ेक्टिव। और कितना बढ़िया रिज़ल्ट लेके आते हैं, दैट इज़ द डिग्री ऑफ इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेज, कि आपने कितना बढ़िया अपने रिसोर्सेज का यूज़ किया। और यहाँ पे रिसोर्सेज क्या है, यहाँ पे रिसोर्स है टाइम, और टाइम एक ऐसा रिसोर्स है जो एक बार चला जाए तो फिर लौट के नहीं आता, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स ही टाइम है, और उसका इफ़ेक्टिवली यूज़ करना टाइम मैनेजमेंट का एक पैरामीटर है। दूसरा है एफिशिएंसी, यानी कि एफिशिएंट यूज़। इसका मतलब क्या है भाई, देखिए आपको टाइम एक घंटे में कोई काम करना और आप उसे पाँच घंटे में करते हैं तो काम तो हो गया यानी कि रिज़ल्ट तो मिल गया, क्या एफिशिएंटली मिला? नहीं। गिवन टाइम के अंदर अपने काम को पूरा करना एफिशिएंसी कहलाती है। मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका तीन घंटे का एग्ज़ाम होता है और आपको क्वेश्चन सारे आते हैं लेकिन आपने उनको बहुत अच्छी तरह से लिखा, यानी कि लिख तो इफ़ेक्टिवली रहे हैं लेकिन तीन घंटे के अंदर आप अपना आधा पेपर ही अटेम्प्ट कर पाए तो क्या एफिशिएंटली किया? नहीं। क्या आपको वो रिज़ल्ट प्राप्त होंगे जो आप चाहते हैं? वो रिज़ल्ट आपको प्राप्त नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपने एफिशिएंसी को छोड़ दिया। तो इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी दोनों जब मिलती हैं तो तब आपका जो निकल कर आता है रिज़ल्ट वो होता है टाइम मैनेजमेंट। अब है टाइम मैनेजमेंट की प्रोसेस जो कि यहाँ पे दी गई है, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, दिस इज़ द प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस है टाइम मैनेजमेंट की, इसके अंदर कुछ डेफिनेट स्टेप्स होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो स्टेप है वो है सेटिंग ऑफ गोल, पहला। यानी कि टाइम मैनेजमेंट तब तक इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता जब तक आपको पता ही नहीं है कि आपका गोल क्या है, आपको अचीव क्या करना है। तो सबसे पहले अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, अपने को एक अच्छी तरह से प्रेजेंट करना है, तो आपको गोल्स जो हैं वो आपके सबसे पहले डिफाइन होने चाहिए, वेल डिफाइन होने चाहिए कि मुझे ये गोल अचीव करने हैं। फिर है उनकी प्रायोरिटी, प्रायोरिटाइज़ करना है आपको अपने काम को कि भाई मेरे प्रायोरिटी पे सबसे पहले नंबर पे कौन आता है। मान लीजिए आपका काम जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, उसको आप पहले नंबर पे रखेंगे, उसके बाद जो उससे लेस इम्पोर्टेंट वर्क है उसको दूसरे नंबर पे रखेंगे। इस तरह से आप एक सिस्टमेटिक वे में अपने काम को कंप्लीट करते जाएंगे। तो पहले दो स्टेप्स हैं, प्रायोरिटाइज़ योर वर्क वाइजली एंड सेटिंग ऑफ गोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद में तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो आती है सेट टाइम लिमिट, यानी कि अगर आप गिवन टाइम में अपने काम को पूरा नहीं कर पाते तो फिर वो जो आपको रिजल्ट मिलता है उसकी इफ़ेक्टिवनेस भी कम हो जाती है, वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं रहता। तो इसलिए आपको अपने काम को गिवन टाइम में पूरा करना है, उसके लिए तीसरे पॉइंट पे हम टाइम लिमिट सेट करेंगे। फिर है सेट टाइम फॉर ब्रेक, यानी कि रिफ्रेशिंग। अब ह्यूमन माइंड एक कंप्यूटर की तरह ही काम करता है, आपको पता है, और लगातार एक घंटे दो घंटे काम करने के बाद इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है। तो वो आपको अपने टाइम शेड्यूल के अंदर एक वेल डिफाइन ब्रेक जो है वर्क से वो रखना पड़ेगा।
ताकि आप वो 5 मिनट का 10 मिनट का हो सकता है लेकिन वो वेल डिफाइन होगा, क्योंकि यूँ नहीं है कि आप उसको आधा घंटे का रख दें। उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए कि भाई आपने ये जो ब्रेक रखा है इसमें आपको क्या करना है, क्या एक्टिविटी करेंगे रिफ्रेशमेंट के लिए और उसके लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है। और अगर ये टाइम लेते हैं तो ये जो हमारा अल्टीमेटली गोल की जो अचीवमेंट है उसमें कहीं कोई हर्डल तो पैदा नहीं कर रहा। तो ये हो गया। इसके बाद में बी ऑर्गेनाइज्ड। बी ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या होता है कि जब हम काम करते रहते हैं तो हमें कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। आपको जैसे आप अगर कोई लिखने का काम कर रहे हो तो आपको पेपर हो गया, पेन हो गया, दूसरी जो स्टेशनरी की चीज़ें हैं। अगर आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं, वो सारी चीज़ें आपने अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज नहीं की जो जो चीज़ें आपको ज़रूरत होंगी, तो फिर आपको बार बार काम को छोड़ना पड़ेगा, चीज़ों को जा के अरेंज करना पड़ेगा, तो फिर आपकी एफिशिएंसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, आपका टाइम की वेस्टेज बहुत ज़्यादा होगी और अल्टीमेटली आपका टाइम जो है वो गिवन टाइम में पूरा नहीं होगा। तो इसलिए ऑर्गेनाइज्ड रहना बहुत ज़रूरी है। अगला है रिमूव नॉन एसेंशियल टास्क। यस, ये पहले वाले पॉइंट से ही निकल कर आता है कि भाई जो काम ज़रूरी नहीं है टाइम मैनेजमेंट करते वक्त उनकी पहले ही लिस्ट बना ली जाए और उनको आप प्रोसेस से रिमूव कर दें। और ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है। नॉन एसेंशियल टास्क जो है पहली बार आप जब करेंगे तो निकल के आएंगे, उनको रिमूव करके दूसरी बार जब उस काम को करेंगे फिर निकल के आएंगे, फिर उनको रिमूव करोगे, तो इस तरह से धीरे धीरे आप एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर एफिशिएंसी को लगभग अचीव कर लेंगे। फॉलो अप एंड इम्प्रूवमेंट। यस, टाइम मैनेजमेंट के अंदर फॉलो अप यानी कि उस प्रोसेस को बनाए रखना, उसको रिकॉर्ड रखना कि हमने क्या किया था और किस तरह से किया था, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट लेके आने, और इम्प्रूवमेंट तभी लेके आओगे जब आपके पास पास्ट के डेटा होंगे, पास्ट का एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस आपको ये बताएगा कि कहाँ पर क्या दिक्कत हुई थी। तो उस दिक्कत को आप फिर प्लान करेंगे कि उसको हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, और उनको धीरे धीरे रिमूव करते हुए आप टाइम मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करेंगे। और ये एक प्रोसेस का मतलब होता है कॉन्टीन्यूटी, यानी कि अगर कहीं कोई दिक्कत है तो गोल डिफाइन सही नहीं हुआ, प्रायोरिटी जो है वो सही से सेट नहीं हुई, तो फिर ये प्रोसेस जो है एक नंबर से दोबारा स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये नेवर एंडिंग चीज़ होती है। प्रोसेस का मतलब है एक सर्कल के अंदर जो है वो आपके स्टेप्स घूमते हैं, लास्ट वाला अगर अच्छा नहीं हुआ तो फिर पहले से फिर शुरू हो जाता है और फिर लास्ट तक पहुंचते हैं। अब है बेनिफिट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। बेनिफिट ऑफ टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट के क्या क्या बेनिफिट हैं? एक तो टू सेव टाइम। यस, हमें टाइम बचाने के लिए ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा, सिस्टमेटिक होना पड़ेगा, साइंटिफिक होना पड़ेगा। ठीक है, और ये सब टाइम मैनेजमेंट के जो हैं बेसिक एलिमेंट्स हैं। दूसरा है रिड्यूस स्ट्रेस। स्ट्रेस कब होगा? जब आप अपना टाइम गिवन टाइम में अपने असाइनमेंट को पूरा नहीं कर पाएंगे तो आपको स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस होगा उससे आपकी एफिशिएंसी गिरेगी। तो अपनी एफिशिएंसी को बनाए रखने के लिए टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है, क्योंकि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको वर्क जो है वो करके दिखाना, आउटपुट लेके आना है। और स्ट्रेस जब आउटपुट नहीं आएगा तो स्ट्रेस डेफिनेटली आएगा। हेल्प योर प्रायोरिटाइज, यानी कि आप अपनी प्रायोरिटी को है वो बनाए रखना है। प्रायोरिटी अगर चली गई तो आपको फिर जो आपकी एफिशिएंसी है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि आप किसी नॉन प्रायोरिटाइज काम को करने पे लगे हुए हैं और आपका जो मेन वर्क है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो पूरा हो ही नहीं रहा। तो अल्टीमेटली जब आप लास्ट में देखेंगे आपको लगेगा कि आपने कोई काम किया ही नहीं। इसके बाद में है मोर क्वालिटी वर्क। वर्क टाइम मैनेजमेंट का ये मतलब नहीं है कि आप जल्दी से किसी काम को पूरा कर दें और उसकी क्वालिटी ख़राब कर दें। तो अगर आपने क्वालिटी ख़राब कर दी तो वो वर्क जो है आपने किया है उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता। तो टाइम मैनेजमेंट का ये मतलब भी है कि गिवन टाइम में काम तो होना चाहिए लेकिन क्वालिटी भी आपकी वैसी की वैसी बनी रहनी चाहिए। टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? एक गिवन टाइम में जो गिवन रिसोर्सेज है उनको लगा के जो आप प्रोडक्ट तैयार करते हैं, यानी कि आपने गिवन टाइम में गिवन रिसोर्सेज से कितना प्रोडक्ट बनाया वो कहलाएगा आपका प्रोडक्टिविटी, यानी कि क्या रिजल्ट लेके आए आप। ठीक है, और प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे इम्प्रूव होती है। क्यों? क्योंकि जब हम वेस्टेज को एलिमिनेट करते जाते हैं टाइम मैनेजमेंट के अंदर, तो डेफिनेटली हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है, और ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है टाइम मैनेजमेंट का। अगला है फंक्शन एफिशिएंट
इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ, इफेक्टिव यानी कि जो फंक्शंस आप कर रहे हो उनका रिजल्ट आना चाहिए। अगर रिजल्ट आएगा तो फंक्शन इफेक्टिव है, अगर आपने काम किया उसका कोई रिजल्ट आया ही नहीं तो वो काम आपका वेस्टेज हो गया, यानी कि उस फंक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए इफेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि जो किया है उसका रिजल्ट मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये था आपका टाइम मैनेजमेंट एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। इसको आप, इस लेक्चर को आप ध्यान से सुनें और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। थैंक यू।